फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी नवरात्र स्पेशल ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नवरात्र स्पेशल ड्रेस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो लड्डू गोपाल की पोशाक बनाने के लिए हमें सबसे पहले बुकरम की मदद से इस तरीके का एक सर्कल कट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने एक क्लोथ की मदद से ऐसा सर्कल कट करना है। यहाँ पे मैं कॉटन क्लोथ का यूज़ कर रही हूँ जिसके ऊपर इस तरीके की बंदेज की डिज़ाइन बनी हुई है। इसके बाद स्लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बुकरम की पट्टी ली और उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने अपना क्लोथ कट किया और उसके बाद उस पट्टी को अच्छे से रैप कर दिया मैंने अपने क्लोथ की मदद से। और अब आगे हम इसको वी शेप में ज्वाइन करेंगे जैसा हम हर पोशाक के साथ करते हैं। तो डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे दो तरह की चीज़ें अपने आप तैयार की, अपने आप बनाकर तैयार की हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरीके के कुछ पैटर्न्स चाहिएंगे। तो मैंने सर्कुलर शेप के मिरर्स ले लिए, ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आप और कोई शेप यूज़ करना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और इसके जो है कॉर्नर्स पर मैंने अच्छे से अपनी वूल को रोटेट किया है, ये बहुत ही डिज़ाइनर लुक देता है। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊन को इस तरीके से कट कर लिया और पॉम पॉम के साथ ऊन को अटैच कर दिया। ये मैं ड्रेस के साइड में एज हैंगिंग लगाऊंगी। तो आप इस तरीके के बहुत सारे पीसेस बना लीजिए अपनी पोशाक को और हैवी बनाने के लिए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी एक इस तरीके की डिज़ाइनर डोरी। तो मेरे पास एक प्लेन पिंक कलर की डोरी थी जिसके ऊपर मैंने गोटा को रोटेट किया है और अभी एकदम डिज़ाइनर लुक दे रही है। तो आप कोई भी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी मेनली लेसेस का ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती थी इसलिए मैंने डोरी का यूज़ किया है। इसके बाद हमें चाहिएगा गोटा। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस तरीके के पैटर्न्स बनाना सिखाती हूँ। तो पैटर्न्स बनाने के लिए मैं क्या करना है, सबसे पहले बुकरम का एक छोटा सा पीस ले लीजिए और उसके ऊपर अपने मिरर को पेस्ट कर दीजिए ग्लू की मदद से। मिरर को पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जैसा इन पैटर्न्स में हमने इस साइड में अपनी ऊन को रोटेट किया है वैसे ही ये जो हमने मिरर लगाया है इसके साइड में हम अच्छे से ग्लू लगाएंगे और उसके बाद अपनी ऊन को अच्छे से रोटेट करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे अपनी वूल को अप्लाई करना है। आप इस तरीके से मिरर के साइड में ग्लू लगा लीजिए और उसके बाद जो आपकी ये वूल है इसको आप रोटेट करते रहिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर लीजिए, आप जितनी रोटेट करना चाहते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमें करना है। तो देखिए ये मैंने इस तरीके का पैटर्न तो तैयार कर लिया है। अब जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा मैं इसको कट कर लूँगी और उसके बाद इस तरीके के हमारे पैटर्न्स बन जाएंगे। ये आप अपने पोशाक के घेरे के हिसाब से बनाइए, अगर आपका घेरा बड़ा है तो आप ज़्यादा पैटर्न्स का यूज़ कीजिए और छोटा है तो कम पैटर्न्स का यूज़ कीजिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसा बाकी पोशाक में हम सेंटर से पहले एक सर्कल कट करते हैं और उसके बाद डेकोरेशन करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा अलग तरीका करेंगे। हम पहले ये जो हमारे पॉम पॉम वाले पैटर्न बने हुए हैं इनको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम सर्कल कट करेंगे। तो देखिए हमें कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है, मल्टी येलो पिंक येलो मल्टी। तो मैं येलो जो है हर कलर के बीच में दे रही हूँ, आपके पास जो भी पॉम पॉम्स हो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमें कैसे अप्लाई करना है, इस तरीके से ग्लू की लाइनिंग देनी है और उसके बाद अपने पॉम पॉम्स को कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है। ऐसे ही हमें करते रहना है। बहुत ही यूनिक तरीका है ये पोशाक बनाने का, आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई करें और इस नवरात्रि अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी प्यारी सी ड्रेसेस ज़रूर बनाएं। और आपने कैसा बनाया वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करें। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो बुकरम था उसके कॉर्नर्स पे मैंने अच्छे से अपने पॉम पॉम्स को स्टिक कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके टॉप पे मैं अपने क्लोथ को स्टिक कर दूँगी कुछ इस तरीके से। तो साइड्स में जो हमारे ये पॉम पॉम हैं बिल्कुल हैंगिंग के वे में आएंगे, बहुत ही प्यारे लगेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पॉम पॉम लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने अपने क्लोथ को भी पेस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से एक सर्कल को कट करेंगे ताकि हम ये पोशाक अपने कान्हा जी को पहना सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने क्लोथ को हाफ में फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको एक ट्रायंगल में फॉर्म कर देंगे और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे और उसके बाद एक पार्ट को कट कर लेंगे और जब हम इसको ओपन करेंगे तो एक सेंटर पर हमारा सर्कल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्किंग कर ली है, मैंने चौक से इस तरीके की मार्किंग की है। अब मैं इस पार्ट को कट करूँगी सीज़र की मदद से
और अब मैं इसको ओपन करूँगी। तो ये इस तरीके का एक सर्कल आ गया जब हमने इसको ओपन किया। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन कट करेंगे जैसा हम हर पोशाक के साथ करते हैं, देखिए। और इस तरीके से ये हमारा नीचे का घेरा तो लगभग रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी स्लीव्स को वी शेप में जॉइन करेंगे जैसा हम हर पोशाक में करते हैं, और उसके बाद जो ये हमारा घेरा है यहाँ से हम इसको अटैच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अपना गोटा लूँगी और ये जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पे मैं अपने गोटा को स्टिक कर दूँगी। दोनों तरफ हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना गोटा लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी, अपनी डोरी लूँगी और जो हमारी पोशाक है इसके साइड्स के पार्ट पे, ये जो घेरा है इसके साइड पे मैं अच्छे से अपनी डोरी को पेस्ट कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से घेरे के साइड्स पे हमने अच्छे से अपनी डोरी लगा ली है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी ऐसी क्रिएटिविटी अपनी पोशाक के साथ ज़रूर करें। अगर आपके पास ऐसी कोई डोरी नहीं है जिसे आप डेकोरेट करके लगा सकें तो आप गोटा या कोई पतली लेस हो वो भी लगा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये पैटर्न्स तैयार किए थे इनको हम पेस्ट कर देंगे ग्लू की सहायता से। इन पैटर्न्स को भी मैंने अभी आपको बनाना सिखाया था और बहुत इजीली ये बन जाते हैं। मेरी पोशाक में टोटली 6 पैटर्न्स आ जाएंगे। आप अपने पोशाक के घेरे के हिसाब से अपने पैटर्न्स बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी नवरात्र स्पेशल पोशाक बिल्कुल तैयार है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर डेली कुछ ना कुछ यूनिक देने की कोशिश करते हैं। अब चाहे वो लड्डू गोपाल की इस तरीके की सुंदर सी ड्रेसेस हो, DIYs हो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्राफ्ट्स हो, माता रानी की पोशाक हो, और भी बहुत सी चीज़ें, कुछ भी हो, हम हमेशा यूनिक ही आइडिया लाते हैं आप सभी के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे कुछ सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे भी मैं आप सभी के साथ बहुत सारे यूनिक आइडियाज़ शेयर करूंगी, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं उन आइडियाज़ को सबसे पहले इंजॉय करने के लिए, तो आपको बस दो काम करने होंगे। पहला काम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। और आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के घरों में खुशियों की वर्षा करे। थैंक यू।